me and my Pelton going for the class. Take a seat. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुंत मौला फहाजा अली उन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो मगर मुझे बहुत दिन हो गए मैंने अपना इंट्रो नहीं बोला। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ज़ाकिर नदीम, यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल आई एम खान, आई एम बैक अगेन द ब्रांड न्यू व्लॉग। सुबह सुबह एनर्जी आ गई भाइयों बहनों, आज मैनू फजर विच लेट हो गई रे मक्खी। 5:03 के करीब मैंने वजू वगैरह बनाया, 4:55 पे यहाँ पे फजर की जो जमात हो जाती, मैं अकेले आके पढ़ा। एक्चुअली द मोरल ऑफ द स्टोरी इसकी, अगर आपकी नमाज जो है छूट जाती है या फिर लेट हो जाता है, जमात छूट जाती है, तो उसको आप कवर अप करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने हॉस्टल में बहुत सारे लोगों को देखा, और वैसे भी जनरली बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी नमाजें छूट जाती है फजर को, उसको कवर अप नहीं करते, कहते हैं अरे यार अब छूट गए क्या करें। अगर जब भी आप उठे उसको पढ़ दें, जैसे हदीस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें एक साहबी तुमसे रोज फजर में लेट जाता था, तो उन्होंने बोला जब उठो तब पढ़ो, नहीं छोड़ सकते, जिम्मेदारी आपके ऊपर। 7-8 आप सोकर उठते हो, एकदम से पूरा दिन निकल गया है, तब भी आप जाकर पढ़ो। ऐसे 5 की जो नमाज है उसको मेंटेन करो, जैसे आप स्नैपचैट के अपने स्ट्रीक्स मेंटेन करते हो। जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करने के लिए कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करता हूँ, हॉस्टल छोड़ छोड़ के इधर उधर जाते हो किसी चौराहे पर चाय पीने के लिए, उसको मेंटेन करते हो टाइम टू टाइम, वैसे इसको भी मेंटेन करो, ये उससे ज्यादा जरूरी चीज है। ये 5 की नमाज वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसको आपने अल्टीमेटली साइन किया हुआ ऑलरेडी, जब आपने अपनी कॉन्शियसनेस गेन। अब अगर आप पूरे दिन भर में सिर्फ 5 अपना चेहरा जो है इस मस्जिद को नहीं दिखाते हो, तो आप कैसे फिर कयामत वाले दिन अपना चेहरा अल्लाह को दिखाओगे? अच्छा चलो वो तो दूर की बात है, इसी दुनिया में किस मुंह से अल्लाह से चीजों की डिमांड करोगे या फिर अपने शिकवे शिकायत करो? आपने तो वो काम नहीं किया जो अल्लाह ने आपसे बोला हुआ है, तो फिर आप किस हक से उससे चीजें मांगोगे? सो यू नीड टू पॉन्डर ऑन इट। बाकी सब पढ़िया बैठे बैठे बड़े नजारे देखने को मिल गए आज तो। लुक एट दिस ब्रदर, अपनी नमाज को कवर अप कर रहे हैं भाई साहब। ऐसे लोगों को आप टॉन्ट मत मारिए कि अरे तुम्हारी तो नमाज ही छोड़ के कवर अप करो, नहीं, ही इज एक्चुअली फॉलोइंग द सुन्ना, ये सुन्नत है कवर अप करना। हो जाती हैं गलतियां, सबसे मुझसे होती हैं, हम सबसे होती हैं। बस सूरज निकल चुका, अब हमारे दिनचर्या की शुरुआत होगी। एमयू कैंपस एकदम मिनी इस्तांबुल है, हमेशा बिल्लियां दिखेंगी। एक इधर देवियों सज्जनों हम तैयार हो जाती, अभी हम नाश्ता करने को जाती, फिर वापस आती, बस्ता उठाती, फिर क्लास को जाती। अभी क्या है ना, थोड़ा ट्रेडिशनल व्लॉग बनाना मांगता है, यू नो, पैक पैक स्कूल बैग, फलाना ढमकाना बोलना मजा नहीं आ रहा है, इसलिए पस्ता, हम पस्ता उठाकर स्कूल जाती। कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं, स्कूल जाती, पुराने दिन वापस आ रहे हैं दोस्तों। अरे काफी धूप है, हम आपको अगल बगल का हरियाली भी दिखाती, आप देखते जाती, इधर कैंटीन भी खुल जाती, इधर दो छोटा छोटा बच्चा बात करते जाती। मैं डाइनिंग से निकल रहा था, मुझे एक चीज अचानक से याद आई, मुझे मेरे ऑडियंस की हेल्प चाहिए। उसने सुनो, काला काला मैंने पहना हुआ है, एंड ब्लैक कलर सिग्निफाइज अहलुल बैत, काला मतलब बहुत ही क्लोज था। आप सलम भी बहुत पहनते थे, सही मुस्लिम बुखारी इन सब में हदीसें मिल जाती हैं। आप सलम फतेह मक्का के वक्त भी काला पहनते थे, उन्हें काला पसंद था। यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश में 3 मशहूर है कि सिर्फ सफेद ही आप सलम को पसंद था, मगर हदीसों में जब उठा के देखेंगे ज्यादा वो काला पसंद करते। उसी से ज्यादा एक हदीस थी, आप सलम ने फरमाया, मन कुंत मौला फहाजा अली उन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मेरे पास जो तिर्मिजी की हदीस है, मुझे तिर्मिजी की हदीस का रेफरेंस पता, उसमें मन कुंत मौला फाली उन मौला फहाजा नहीं आता है। अगर आपको पता उसका रेफरेंस क्या है, कहाँ पे वो हदीस मिलेगी, वो तुरुक कहाँ पे जिसमें फहाजा की वर्डिंग है, मुझे कमेंट करके बता दीजिए प्लीज। बाकी सब पढ़िया, चलते हैं क्लास के लिए। यू ट्रेसपासर ट्राइंग टू ट्रेसपास माय रूम, आई विल फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट यू। और ये छात्र अपनी कक्षा की ओर जाते हुए, गाइज अभी क्लास में 20 मिनट है और यहाँ मिनहाज ने अभी नाश्ता नहीं किया था, तो हम लोग आए थे यहाँ कैंटीन पे। ये है अपनी कैंटीन, यहाँ पे कुछ माल मलिदा अच्छा मिलता नहीं है, ठीक ठाक मिलता है, जूस मिलता है। क्या लेते तुम? पूरी सब्जी, पूरी सब्जी, यहाँ पे बैठ जाओ, उस पर धूप है, उधर इधर बैठो। बड़े दिनों बाद हम कुछ यूं इस तरीके से कैंटीन पर बैठ के नाश्ता करते हुए, मैं नहीं हमारे मित्र, 1.5 इंतजार करना पड़ा इस मोमेंट को कैद करने के लिए, एंड खाने को सर्विस। ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, मगर ये लड़का बिना चाय के रह ही नहीं सकता। चहेड़ी, वो चाय पी लिया।
हमारे सलमान भाई सीनियर क्लास में सेम है, मगर इनका बैकग्राउंड मदरसे से तो अरबिक भी इनको आती है और मैं इनसे सीखता रहता हूँ जो जो चीजें मैं कहीं फंसता हूँ। दिल के भी बड़े अच्छे हैं। देखिए जूस भी हमें ऑफर किया। शेक शेक क्या बोलते हैं, नोश फरमाइए, नोश फरमाइए। हमारी गड्डी इधर, हम लेकर आते हैं आप लोग, चलिए। मी एंड माई पल्टन गोइंग फॉर द क्लास। सारी क्लासेस खत्म हो गई, मैं क्लास के अंदर का आपको कुछ दिखाया बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजन, प्राइवेसी कंसर्न जो भी बोल सकते हैं। आपको मैं एक फायदा बताता हूँ एमयू का, एमयू के हर हॉस्टल में ना मस्जिद है, तो अगर एक जमात आपकी छुट्टी, मान लो फॉर एग्जांपल एक जमात है जोहर की 1:35 पे, तो एक 45 वाली भी है और एक फिर एक 2 बजे वाली भी है, तो बहुत सहूलियत हो जाती है। तो मैं भाग कर एमएम हॉस्टल आया हूँ, यहाँ पे 2 बजे जोहर की नमाज होती है। अभी जा रहा हूँ डाइनिंग के लिए, दौड़ते दौड़ाते अपने हॉस्टल में पहुंच गया हूँ। 10 मिनट बाकी है डाइनिंग बंद होने में, मगर जद्दोजहद जारी रहेगी, हम डाइनिंग तक पहुंच के रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कोई है ही नहीं टेबल पे। क्या सिर्फ एक है। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। कहाँ गया छोटू? छोटू तुम सीढ़ी पे चढ़ती जी, तुम किसको बुलाती? दोस्तों और उनके दुश्मनों, अभी हम जा रहे थे शमशाद की तरफ, शाम का वक्त हो चुका है, असर की नमाज हो चुकी है, अभी मगरिब आने वाली है, मगरिब में आधा घंटा है, मिलते हैं छोटे से चाय के वक्फे के बाद। मोहब्बत शरबत। ये तो ठीक ठाक होती है, तुमको कैसा लगती? अल्हम्दुलिल्लाह। बीच मझधार में फंसी नैया, पार करने को ना मिल रही कोई राह। हम चाय नहीं पीते, हम मोहब्बत शरबत पी लिए। और ये हम मस्जिद की ओर जाते हुए अपनी मगरिब की नमाज के लिए। दोस्तों क्या लिखा है पीछे? अबे पीछे क्या लिखा? माशाल्लाह उल्टा दिख रहा था, मैं कहा क्या है ये जनाब टी शर्ट लेते हुए। ये यहाँ पे कॉर्नर पे बैठेंगे हम लोग। आई विल सिट हियर ओनली। अच्छा उस साइड चलते हैं, उस कॉर्नर। अभी हम आए थे जायका रेस्टोरेंट, ये दोनों जनाब को कुछ खाना था। मैं शराफत से जा रहा था डाइनिंग करने, मैं गरीब आदमी, मेरे पास पैसे वैसे नहीं रहते बाहर आने, अगर इन दोनों ने मुझे गुमराह कर दिया और बाहर ले आए खाने के लिए। हाफ चिकन 300 रुपए का है, मंगो दे। हां गाइस, हमारा खाना पीना हो चुका है, ये दोनों अभी लगे हुए हैं। रात ज्यादा हो चुकी है, आई थिंक नॉट टाइम टू एंड दिस व्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे क्या कॉलेज मिनट्स जो है अभी पढ़ने हैं, कॉलेज मिनट या मिनट्स आई डोंट नो, क्लियर नहीं, अभी मुझे चेक करना पड़ेगा, वो पढ़ना है, मैम ने दिया हुआ तो उसको कल बताना है क्लास में। अभी ईशा भी मैं नहीं पढ़ पाया, खाने के लिए आ गया था बाहर, बहुत सारे काम है, धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शेयर कीजिएगा, आपको कोई सुझाव है कमेंट्स में बताइएगा, और बस जुड़े रहिए, मिलते हैं नए व्लॉग में। ओपी नहीं मिलेगा।